गाइस आज की वीडियो में मैं एक ऐसी कार खरीद के लेके आ चुका हूँ, आज ये कार आग लगा देगी गाइस। इसका नाम है डॉट चार्जर आरसी कार। आज मैं इस कार की फाइट कराने वाला हूँ डाईकास्ट फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के साथ, मसल आरसी कार के साथ, मैक्लारेन 765 LT सुपर फास्ट आरसी कार के साथ और BMW i8 इलेक्ट्रिक आरसी कार के साथ। चलो गाइस फटाफट से करते हैं सभी की अनबॉक्स, लेट्स स्टार्ट। देखेंगे क्या ये डॉट चार्जर हमारी सुपर आरसी कार्स को हरा पाती है। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। यहाँ पे हमारी डॉट चार्जर 1970 मॉडल लुक काफी ज्यादा यूनिक है यार ये कार का। इसके व्हील्स तो यार पूरी के पूरे इसके बॉडी के अंदर घुसे हुए हैं। ये कार को मैंने खरीदा है RSStar की तरफ से, बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ। ये कार कंप्लीटली ब्लैक मैट फिनिश में आ जाती है, इसलिए मैं इसको एक ब्लैक बर्ड भी बोलूंगा। अगर आप इसको ज्यादा धूप में भी चलाओगे ना गाइस तो भी ये कलर ज्यादा चमचमाएगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा शाइनिंग वाला कलर नहीं लगाया गया है। यहाँ पे इसका बोनेट है तरह से खोल के रखा हुआ ताकि इसका इंजन प्रॉपर तरीके से नजर आ सके। ये रियल वाला इंजन नहीं है गाइस, पे कवर है, इसको मैं हटा देता हूं। तो इसको अभी हम लोग इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। सामने की ग्रिल देखो यार बहुत ही यूनिक डिजाइन है। डोर्स इसके हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर ग्लास नहीं दिया गया है। अंदर की सीट्स वगैरह बहुत ही ऑसम बिल्ड क्वालिटी में बनाया गया। यहाँ पे भी RT की बैचिंग दी गई है। इसकी सबसे गजब की चीज मेरे को लगती है इसके व्हील्स, काफी अच्छी क्वालिटी के रबर के व्हील्स इसके अंदर दिए गए। इसके अंदर कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती है, पे आ जाएंगे 5 AA बैटरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इसकी जो डिक्की है इसको भी हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। RSStar की बैचिंग यहाँ पे दी गई है, डॉज की बैचिंग यहाँ पे दी गई है, दो बटन इस तरफ दो बटन इस तरफ दिए गए। 2.4 GHz का रिमोट है। अभी अनबॉक्स करते हैं मसल किंग RC कार को। ये कार भी मेरे को बहुत ही यूनिक दिखती यार, क्योंकि ये भी एक क्लासिक मॉडल आरसी कार है। इसका भी इंजन देखो गाइस यहाँ पे बाहर की तरफ लगा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी लाइट्स भी आ जाती है। इसका बोनट भी हम लोग ओपन नहीं कर सकते ना तो इसके डोर्स ओपन कर सकते हैं, फिर भी देखो बॉक्स के ऊपर स्केल मॉडल बोल के दिया गया। एक्चुअल में स्केल मॉडल जो होती है इस तरह की होती है गाइस, ये एक्चुअल में एक प्रॉपर स्केल मॉडल है जिसकी डिक्की डोर और बोनट ओपन हो जाता है। दिखने में ये सामने की तरफ से बिल्कुल एक एम्बेसडर कार जैसी दिखाई देती है। कार का जो कलर है बहुत ही ज्यादा शाइनी है। पीछे का व्हील देखो गाइस, इतना ज्यादा यूनिक व्हील मैंने आज तक कोई भी कार के अंदर नहीं देखा है। इतने बड़े व्हील्स लगाने का मतलब ये है कि ये कार बहुत अच्छे तरीके से बर्न आउट भी कर सकती है। तो ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट भी काफी अलग है और इसके ऊपर ग्रिप काफी अच्छी दी गई है और ऊपर की तरफ दो ट्रिगर्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। मेरे पास एक और डाईकास्ट कार है, एक्चुअल में ये एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार है। इस तरह से इसको डिजाइन करके इसका लुक पूरा का पूरा चेंज कर दिया। ये कार को मैंने सिर्फ 4,000 रुपीज में खरीदा था। आप भी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक मिल जाएगा। तो ये है इसका रिमोट, काफी ज्यादा बड़े साइज का है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट मिलता है। ये है डाईकास्ट मॉडल आरसी का, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है डाईकास्ट मॉडल जैसी बनाई गई। सामने की तरफ इस तरह का एरोडायनामिक डिजाइन इसके अंदर दिया गया है। कलर बहुत ज्यादा मस्त है यार, व्हाइट के ऊपर इन लोगों ने ये जो रेड कलर यूज किया है ना यार बहुत ही ज्यादा गजब का दिखाई दे रहा है। साइड से इसका डिजाइन इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके व्हील्स है, सामने के व्हील्स पीछे के व्हील्स काफी ज्यादा हार्ड क्वालिटी के बनाए गए और इसका जो रिम है ना यार ये बहुत ही यूनिक डिजाइन का मेरे को लगा। पीछे की तरफ इस तरह का एक स्प्रेयर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हम लोगों को वाटर डालना पड़ता है और ये बूस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस। ये कार के अंदर मिलती है इस तरह की बैटरी, ये 7.4 वोल्ट की लाइपो बैटरी दी गई है। गाइस आपको पता होगा मेरे पास BMW i8 इलेक्ट्रिक के बहुत सारे वर्जन है, जैसे की ये एक व्हाइट कलर वाला मॉडल है। इसको फटाफट से अनबॉक्स करेंगे और आज इसकी फाइट कराएंगे ब्लैक एडिशन डॉट चार्जर के साथ। आपको पता होगा मेरे पास इस तरह की रेड कलर वाली कार भी है, ब्लैक कलर एडिशन भी है और ये PL व्हाइट एडिशन है। इसको दिखा देता हूँ, ये कलर मेरे को ब्लैक कलर एडिशन से भी ज्यादा अच्छा लगता है। जहां पे भी देखो सिर्फ ग्लास ही ग्लास आपको नजर आ जाएगा। थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, क्रैच आ चुका है। यहाँ पे BMW का लोगो दिया गया है। ये इसकी हेडलाइट्स काफी ज्यादा सॉलिड है और बहुत ज्यादा ब्राइट हेडलाइट्स इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ये कार के अंदर डोर्स बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं। मेरे पास रेड कलर के एडिशन और ब्लैक कलर के एडिशन जो है उसके अंदर रिमोट के अंदर एक बटन दबाने से डोर्स ओपन और क्लोज भी हो जाते हैं। इसके व्हील्स इस तरह के देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही यूनिक से व्हील्स इसके अंदर लगाए गए हैं। पीछे की तरफ टेल लाइट है और ये टेल लाइट काम भी करती है। इसके अंदर भी कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती है, यहाँ पर हम लोगों को 5 AA बैटरी डालनी पड़ती है। सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, आज ये चारों कार्स की फाइट कराएंगे गाइस डॉट चार्जर कार के साथ। देखते हैं ये चारों कार्स के सामने डॉट चार्जर टिक पाती है या नहीं। चलो भी चलते हैं बाहर, कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन जीतता है। लेट्स गो एंड फाइट।
सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। इनके इंजन देखो यार कितने ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं और आउटडोर में इनका लुक भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। सबसे पहले डॉट चार्जर आरसी कार को टेस्ट करते हैं। इसका पूरा सिस्टम एक डाईकास्ट कार जैसा ही दिया गया है। चलो गाइस इसको चला के भी दिखा देता हूँ। कार के अंदर एक स्पीकर भी दिया गया है। ये जो आवाज आप सुन रहे हो ये कार के अंदर से ही आ रही है। जैसे मैं ब्रेक वगैरह लगा रहा हूँ तो गाइस यहाँ पे टायर घिसने की आवाज भी इसके अंदर दी गई है। टोरोल चलाने में इसको बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है और इसकी स्पीड भी मेरे को थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। इसकी कंट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा बेटर है। अभी हम मसल आरसी कार को चला के देखते हैं। इसके अंदर भी एक स्पीकर दिया गया। इसके अंदर से तो यार इंजन जैसी साउंड आ रही है और इसका स्पीकर डॉट चार्जर आरसी कार के मुकाबले में काफी ज्यादा लाउड भी है। अब BMW i8 इलेक्ट्रिक कार को चला के देखते हैं। ये कार सच में यार एक रियल इलेक्ट्रिक कार जैसी चलती है, बहुत स्मूथली चलती है और इसके अंदर से बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। अब चलाते हैं McLaren 765LT को। ये कार बहुत ज्यादा हैवी है। उसके ब्रेक्स आप देख सकते हो कितने फटाफट तरीके से लग जाते हैं। इसके साथ ये वाला रिमोट मिलता है इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी भी हो जाता है। अब टेस्ट करते हैं डाईकास्ट फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को। इसके रिमोट की स्टीयरिंग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है यार, इस वजह से इतनी ज्यादा हैवी कार भी देखो यार बहुत आराम से टर्न हो जाती है। इसकी स्पीड ठीक ठाक मेरे को लग रही है। बाकी आज देखते हैं गाइस अभी मैं रेस कराने वाला हूँ ये दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार जीतती है। यहाँ पे मसल आरसी कार आगे निकल गई यार। मेरे को तो लगा था कि ये डॉट चार्जर कार आराम से जीत जाएगी पर अब देखो इसकी स्पीड अचानक से बढ़ चुकी है और इसने ओवरटेक कर दिया है मसल कार को और ये आगे निकल गई है। यहाँ पे मसल कार भी पूरी कोशिश कर रही है। क्लियरली यहाँ पे डॉट चार्जर कार ने जीत लिया है रेस को। अब रेस कराते हैं डॉट चार्जर आरसी कार वर्सेस BMW i8, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार जीत पाती है। मेरे को लग रहा था कि BMW i8 इसको बहुत कड़ी टक्कर देगी पर डॉट चार्जर कार बहुत ज्यादा आगे निकल गई यार। क्लियरली रेस को यहाँ पे भी ये जीत चुकी है। अब रेस कराते हैं डॉट चार्जर वर्सेस McLaren सुपर फास्ट आरसी कार के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। McLaren आरसी कार शुरुआत से ही आगे निकल गई है। इसका इनिशियल पिकअप बहुत ज्यादा है और यहाँ पे डॉट चार्जर कार पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए पर मेरे को नहीं लगता गाइस इसके आसपास भी ये पहुंच पाएगी। देखो ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई है और ये रेस को जीत भी चुकी है आसानी से। अब रेस कराते हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग कार वर्सेस McLaren आरसी कार के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार का यहाँ पे बूस्टर भी मैंने ऑन कर दिया है। बहुत तेजी से ये कार आगे जा रही है पर इससे भी फास्ट मेरे को McLaren लग रही है गाइस। देखो ये बहुत ज्यादा मतलब टू मच स्पीड दी गई है कार के अंदर। इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार हार चुकी है रेस को। अब कराते हैं ये दोनों कार्स के बीच में पुशबैक, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। डॉट चार्जर कार शुरुआत से ही भारी पड़ती हुई मेरे को लग रही है मसल कार के ऊपर। यहाँ पे मसल कार इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही है यार। डॉट चार्जर कार ने ही हरा के रख दिया है मसल आरसी कार को। अब पुशबैक कराते हैं ये दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं BMW i8 डॉट चार्जर के सामने टिक पाती है या नहीं। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत कड़ी टक्कर चल रही है। डॉट चार्जर कार धीरे धीरे करके BMW को पीछे टेक कर रही है। BMW यहाँ पे इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है पर डॉट चार्जर कार ने इसको पावर में हरा के रख दिया है। अब कराते हैं टग ऑफ वॉर ये दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। इसने तो यार डॉट चार्जर को आराम से खींच के रख दिया है अपनी तरफ। इसके व्हील्स काफी ज्यादा बड़े होने के कारण इसको अच्छे से ग्रिप मिल रही है, इस वजह से मेरे को लग रहा है इस डॉट चार्जर को इसने टग ऑफ वॉर में हरा के रख दिया। अब कराते हैं टग ऑफ वॉर ये दोनों पावरफुल आरसी कार्स के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार जीती है। McLaren 765 काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने तो काफी आसानी से हरा के रख दिया डाईकास्ट फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को। दोनों ही कार्स का वेट उतना ही है फिर भी देखो McLaren बहुत ज्यादा पावरफुल है ये डाईकास्ट कार के मुकाबले में। ये कार्स को मैं भी ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ, एक एक करके इनको ऑफ रोड में चला के देखेंगे गाइस, देखते हैं कौन सी कार एकदम बढ़िया तरीके से ऑफ रोड में चल पाती है। सबसे पहले डॉट चार्जर को चलाते हैं। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस काफी ज्यादा कम है, मिट्टी में तो थोड़ा सा सही चल रही थी। देखो इसके सामने जैसे ही पत्थर आ चुका है ये रुक चुकी है यहाँ पर। अब चलाते हैं मसल आरसी कार को, ये कार भी यहाँ पर रुक चुकी है। अब चला के देखते हैं BMW i8 को, इसका पीछे का व्हील देखो यार स्लिप करने लग रहा है मिट्टी के अंदर। ये कार तो भाई थोड़ा सा भी आगे नहीं चल पा रही है। अब देखते हैं हमारी सबसे ज्यादा पावरफुल सबसे ज्यादा फास्ट McLaren आरसी कार यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म कर पाएगी। मेरे को लगा था कि ये कार आगे चले जाएगी गाइस पर ये कार तो बहुत पहले ही रुक चुकी है यहाँ पर। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये 5 सुपर आरसी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो भी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। तो पहला नाम है अर्शद, अमित, बलजीत, श्रेयस, भैरू, विनोद, शहजाद, मनोहर, निशांत, यासीन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।